गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 सब्जेक्ट भूगोल में आपको आज की मेरी टॉपिक है मिश्रित कृषि। देखिए, मिश्रित कृषि का मतलब क्या होता है? उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी कृषि जो मिश्रित हो, मिली हो, यानी कि सब प्रकार की, मतलब ऐसा कृषि किया जाए जिसमें हर अनाज उगाया जाए, ठीक है? यानी कि कई तरह के जब अनाज उगते हैं जो मृदा है उसमें, तो उसे मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं, ठीक है? देखिए, मिश्रित कृषि पर लिखा गया है, मिश्रित कृषि से आशय उस कृषि प्रणाली से है जिसमें अनाज, ठीक है, चारे वाली फसलें उगाने के साथ साथ, यानी कि मिश्रित कृषि से आशय उस कृषि से है जिसमें अनाज भी उगे, चारे वाली फसल भी उगे और उसके साथ साथ पशुपालन का धंधा भी किया जाता है, ठीक है? यानी कि जो पशुपालन का जो काम है वह भी मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप खेती करेंगे तो अनाज उगाएंगे और अनाज के साथ साथ चारा भी उगाएंगे, तो चारा कौन खाएगा? पशु ही खाएंगे ना, तो पशुपालन भी आप कर सकते हैं, तो एक पशुपालन भी इसी के अंतर्गत आता है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है, यानी कि इस खेती के लिए जो जो भी होंगे खेत होंगे वे मध्यम आकार के होंगे, उसमें सब कुछ हो सके, जिनमें फसल उगाने के साथ साथ भेड़े सुअर तथा मुर्गियां भी पाली जाती हैं, ठीक है? उन खेतों में हम क्या करते हैं, भेड़ भी पालते हैं, सुअर भी पालते हैं और उसके साथ साथ हम मुर्गियां भी पाल सकते हैं। तो मिश्रित कृषि के अंतर्गत क्या क्या होता है कि हम अनाज भी उगाते हैं, चारा भी उगाते हैं और उसके साथ साथ हम पशुपालन भी करते हैं, जिनमें भेड़ पालन, मुर्गी पालन तथा सुअर पालन हम सब, ठीक है? अब देखिए, इस प्रणाली में फसलों को हेर फेर कर बोया जाता है जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है। जैसे आपकी मान लीजिए कोई खेत है, तो एक बार उसमें धान बो दिए, फिर गेहूं बो दिए, उसके बाद फिर गन्ना बो दिया, ऐसा मतलब उसमें अगर जो मृदा है एक ही फसल को अगर हम बार बार बोएंगे तो उसकी मृदा जो शक्ति है कमजोर हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर फसल को हम हेर फेर करके बोए कि एक बार हम कुछ फसल बो रहे हैं तो अगली बार वह फसल बो के ना दूसरी फसल बोए, तो अगर हेर फेर करके अगर हम फसलों को बोएंगे तो उस मृदा की जो उर्वरता शक्ति है वह क्या रहेगी, कायम रहेगी। अब देखिए, मिश्रित खेती का चलन विकसित देशों में अधिक है। जैसे जो मिश्रित विकसित देश है, ठीक है, जो देश विकास कर चुके हैं उसमें आप जो मिश्रित खेती का है, जो हमेशा वहां पे मिश्रित खेती बोया जाता है, मतलब सब कुछ किया जाता है, जहां कृषि यंत्रों, रासायनिक उर्वरकों, हरी खाद तथा पूंजी निवेश करके बाड़ों में पशु पाले जाते हैं, ठीक है? यानी कि जहां पर हम रासायनिक उर्वरक भी बनाते हैं, हरी खाद भी पैदा करते हैं और बाड़ा बनाकर, मतलब जैसे बाउंड्री टाइप बनाकर वहां पर हम क्या करते हैं, पशु पालन भी आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, संसार में मिश्रित खेती, यानी कि जो हमारा मिश्रित खेती होती है, किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है उसके बारे में देखिए। जो हमारा संसार है, संसार में मिश्रित खेती उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यानी कि जो मिश्रित खेती है उत्तरी पश्चिमी यूरोप में भी होती है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में भी, यानी कि उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है वहां पर भी मिश्रित खेती अधिक से अधिक होती है, यूरेशिया में भी तथा दक्षिण गोलार्ध में समशीतोष्ण प्रदेश में की जाती है। यानी कि जो मिश्रित खेती का जो भाग है, जो क्षेत्र है, वह कहाँ कहाँ है? देखिए, वह उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, मिश्रित खेती करने का अधिकतर क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग है और यूरेशिया है, और दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो समशीतोष्ण प्रदेश वाले जो भाग पाए जाते हैं वहां पे मिश्रित खेती अधिक से अधिक की जाती है। मिश्रित खेती का मतलब खेती के साथ साथ अनाज भी उगाए, चारा भी उगाए, पशुपालन भी करें, ठीक है, और जो आपका वो फसल है उसको हेर फेर करके हर प्रकार की फसल को उगाए तो वह मिश्रित कृषि कराएगी, ठीक है? तो इस तरह से आज आपने इस वीडियो में मिश्रित कृषि
के बारे में जाना। अब इसके आगे आप नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।